हेलो एवरीवन वेलकम टू फ्री यू पी एस एग्रीकल्चर इन इंडिया सीरीज में लेक्चर नंबर सेवन बेस्ड रहेगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पिछले कुछ टाइम से एमएसपी को लेकर के काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है काफी ज्यादा डिमांड आ रही है फार्मर्स की तरफ से कि इसको एक स्टेचुट्री बैकिंग दे देनी चाहिए तो चलिए बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है कैसे गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है किन किन क्रॉप के लिए एमएसपी अनाउंस होता है और नीति आयोग की इसको लेकर के क्या रिकमेंडेशन है स्टार्ट करते हैं और ये लेक्चर अवेलेबल है हमारे Free UPC, पे, तो अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है, channel, like like सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसपी होता क्या है एमएसपी एक प्रकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मार्केट इंटरवेंशन है ये इंश्योर करने के लिए कि कि किसी भी फार्म प्रोडक्ट के प्राइस में सडन डिक्रीज हमें ना देखने को मिले अगर एक फार्मर क्रॉप ग्रो करता है उस पर काफ़ी लंबा टाइम पाँच छः महीने उस पर मतलब इन्वेस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा इनपुट उसके अंदर डालता है और उसके बाद में अगर उसको पता चले कि मार्केट प्राइस तो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है तो उसका जितना प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो भी वापस नहीं मिलेगी उसको राइट तो इस चीज़ के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाता है बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये होता है बुआई से पहले मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आ, कटाई का सीजन है और तब एमएससी एमएसपी अनाउंस किया गया है नहीं ये सोइंग सीजन से पहले यानी बुआई के सीजन से पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है फॉर सर्टेन क्रॉप्स ठीक है ये बाईस क्रॉप के लिए अनाउंस किया जाता है इतना याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट एंड प्राइस सी एस सी पी जो है अनाउंस कर अनाउंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है बट रिकमेंड कौन करता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कोस्ट एंड प्राइसेस मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एक तो फार्मर को सपोर्ट करना फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल मतलब अपने क्रॉप प्रोड्यूस को वो बहुत ही कम दाम पे ना बेचे इसके लिए उसको सपोर्ट करना और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम चलाती है तो उसके लिए उसको फूड ग्रेन की जरूरत होती है फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट के लिए भी एमएसपी अनाउंस किया जाता है ठीक है तो क्या हमेशा से एमएसपी था नहीं उससे पहले मतलब नाइनटीन सेवेंटीज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो प्रकार के प्राइस को अनाउंस करती थी ठीक तो मिनिमम गारंटीड प्राइस होता है एमएसपी मतलब एक मिनिमम फ्लोर प्राइस आप इसको बोल सकते हो जैसे मान लीजिए वीट के लिए हमने हंड्रेड रुपीज तय कर दिया ये मिनिमम फ्लोर प्राइस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है हंड्रेड रुपीज हालांकि हंड्रेड रुपीज नहीं है बट जस्ट एक हाइपोथेटिकल नंबर है हंड्रेड रुपीज तो अब क्या है कि चाहे फिर वो मार्केट प्राइस हो उस चीज का चाहे फिर गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर करे डज नॉट मैटर बट वो मिनिमम प्राइस है कि वेट अब मार्केट में हंड्रेड रूपीज से अब वो ही सेल होगी ठीक है तो इससे अब वो आप बेच सकते हो हंड्रेड हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू हंड्रेड डज नॉट मैटर बट इससे कम नहीं होएगा बट जैसे मैंने आपको बताया कि मिड नाइनटीन सेवेंटीज से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो प्रकार के प्राइसिस को अनाउंस करती थी एक होता था मिनिमम सपोर्ट प्राइस और दूसरा होता था प्रोक्योरमेंट प्राइस दोनों के बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एमएसपी के बारे में एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मिनिमम प्राइस होता है इतना याद रखिएगा इससे नीचे हम आ, कोई भी क्रॉप प्रोड्यूसर उसको सेल नहीं कर सकते अब एमएसपी तो आपने मान लीजिए हंड्रेड रुपीज तय कर दिया एक फार्मर है फार्मर ए उसके पास ऑप्शन है कि वो वीट को आप बेच सकता है गवर्नमेंट uh, को गवर्नमेंट अगर प्रोक्योर करती है तो और वो बेच सकता है प्राइवेट सेक्टर को भी ठीक है अब एमएसपी क्या है एमएसपी चाहे गवर्नमेंट uh, प्रोक्योर करे चाहे प्राइवेट uh, प्रोक्योर करे एमएसपी जो है वो मिनिमम रेट है इससे नीचे आप उस क्रॉप को नहीं बेच सकते प्राइवेट सेक्टर जो परचेज करता है दैट इज जनरली वी कॉल इट मार्केट प्राइस प्राइवेट से मेरा मतलब था अगर वो मार्केट में सेल करता है तो ठीक है तो ये होता है मार्केट प्राइस और गवर्नमेंट को अगर प्रोक्योर करना हो गवर्नमेंट को अपने पी सिस्टम के लिए फूड ग्रेन चाहिए उसको वीट ग्रेन सॉरी व्हीट चाहिए या राइस चाहिए तो अगर गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना है ठीक है उस टाइम पर वो क्या पे कर रही है उस फार्मर को वो हंड्रेड रुपीज से तो ज्यादा ही होगा डेफिनेटली वो हंड्रेड एंड टेन दे रही है हंड्रेड एंड ट्वेंटी दे रही है हंड्रेड एंड फिफ्टी दे रही है वो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है और ये मिड नाइनटीन सेवेंटीज से पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था ठीक है ये याद रखिएगा तो आई होप आपको प्रोक्योरमेंट प्राइस और एमएसपी में फर्क पता चल गया होगा एमएसपी फार्मर के लिए है कि वो इससे कम दाम पर अपनी जो क्रॉप uh, प्रोड्यूस उसको नहीं बेचेगा और अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर करना चाहते हैं उस फार्मर से तो गवर्नमेंट कितना पैसा दे रही है दैट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस ठीक है अगर वो पर्सन वो फार्मर ओपन मार्केट के अंदर अपने क्रॉप प्रोड्यूस को सेल करता है तो उसको जो पैसा मिलता है वो मार्केट प्राइस होता है ठीक है ये होता है एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस और मार्केट प्राइस में फर्क अब ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है ना जनरली ये एमएसपी से तो ज्यादा होता है और मार्केट प्राइस से कम होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस गवर्नमेंट जो है वो जनरली एमएसपी से ज्यादा प्रोक्योरमेंट प्राइस रखती है और मार्केट प्राइस से कम रखती है ओके okay? चलिए वापस बात करते हैं तो एमएसपी सर्व एज द फ्लोर प्राइस एंड वर फिक्स बाय द गवर्नमेंट इन द नेचर ऑफ अ लॉन्ग टर्म गारंटी फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ प्रोड्यूसर एमएसपी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक लॉन्ग टर्म गारंटी थी कि आप अगर अपने प्रोडक्शन के अंदर जो भी डिसीजन लेना चाहो आप अपने एग्रीकल्चर के अंदर जो मेजर डिसीजन लेना चाहो उसमें सपोर्ट करती थी एंड देन ये एक अश्योरेंस है कि किसी भी कॉमोडिटी जिसके लिए एमएसपी अनाउंस किया गया है उसके प्राइस डिसाइडेड अमाउंट से नीचे नहीं जाएगा ऑन दी अदर हैंड प्रोक्योरमेंट प्राइस की भी हमने बात करी कि ये था खरीफ और रबी सीरल्स के लिए ठीक है और जो पब्लिक एजेंसी प्रोक्योर करती थी और प्रोक्योरमेंट के दौरान जो पैसे दिए जाते थे जो प्राइस रिलीज किया जाता था दैट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस तो ये भी मैंने बताया आपको कि नॉर्मली प्रोक्योरमेंट प्राइस वॉज लोअर देन द ओपन मार्केट प्राइस एंड हाईर देन msp ठीक है अब 1975 उसके बाद में क्या हुआ मिड 1970s के बाद में धीरे-धीरे जो प्रेजेंट सिस्टम है वो इवॉल्व होने लगा सबसे पहले ये अनाउंस किया गया एमएसपी 1966 67 में वीट के लिए ओके जो प्रेजेंट सिस्टम है एंड इसमें क्या होता था कि सिर्फ एक ही प्राइस दिया जाता था अब एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस का सिस्टम खत्म कर दिया सिर्फ एमएसपी अनाउंस किया जाने लगा किसके लिए खरीफ क्रॉप के लिए और वीट के लिए ओके और क्यों क्योंकि बफर स्टॉक के लिए उनको प्रोक्योर करना था अब ये ईयर याद रखिएगा 1975 एंड 76 क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बता दूं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो इंटरवेंशन था वो स्टार्ट हो चुका था राइट अच्छी खासी प्रोडक्शन होने लगी थी हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी थी उसके अलावा हम अभी तक वॉर भी फेस कर चुके थे पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नया सिस्टम इंश्योर किया कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करें हम ज्यादा से ज्यादा फूड सिक्योर नेशन बने ओके एमएसपी इज अनाउंसड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एल के झा कमेटी सेटअप की थी और उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बनाया गया था जिसको बाद में सी का नाम दिया गया 1985 में ठीक है जी अब जैसा शुरू में हमने डिस्कस किया था कि एमएसपी एक मिनिमम गारंटी प्राइस ही नहीं है ये एक पॉलिसी इनिशिएटिव भी है ये पॉलिसी पर्पस क्या सर्व करता है देखिए गवर्नमेंट अगर चाहती है कि पिछले साल मान लीजिए पल्सेज का प्रोडक्शन कम हुआ गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए तो वो क्या करेगी वो पलसेज के लिए एमएसपी को बढ़ा देगी किसानों को जब पता चला कि अब पल्सेज में आपको ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेज है तो वो क्या करेंगे ज्यादा पल्सेज को ग्रो करेंगे तो इस इनिशिएटिव को यूज करके इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके गवर्नमेंट कुछ क्रॉप के प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करती है और ये इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया को कभी भी स्टेपल जो हमारी डाइटरी uh, हमारा जो डाइटरी फूड्स हैं हमारी जो डाइट का हिस्सा है उन फूड ग्रेन की हमें कभी कमी ना हो ठीक है जी देन टिपिकली एमएसपी क्रिएट द बेंचमार्क फॉर फार्म प्राइस नॉट जस्ट इन फॉर विच दे आर अनाउंस्ड बट ऑल्सो इन द क्रॉप दे आर जनरली बाइस क्रॉप के लिए अनाउंस किया जाता है बट क्या होता है कि एक, एक सा सेट हो जाता है जिन कमोडिटी के लिए अनाउंस किया गया उनके लिए भी और जिनके लिए नहीं अनाउंस किया गया जहाँ पर वो सब्सटीट्यूट क्रॉप है एक प्रकार से मार्केट प्राइस डिटरमाइन करने में काफी हेल्प करता है अब जनरली होता है आपने सुना भी होगा अगर आप एमएसपी को फॉलो कर रहे हो तो एक होता है एमएसपी और एक ओर टर्म यूज की जाती है दैट इज F.R.P. शुगर केन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया M.S.P. अनाउंस नहीं करती और ऐसा सिर्फ शुगर केन के केस में ही होता है इतना याद रखिएगा किसी और क्रॉप के केस में ऐसा नहीं देखने को मिलता जो एफ अनाउंस किया जाता है अब इसको समझते हैं थोड़ा सा होता क्या है? यूज दिस डिफरेंट देखिए जैसे M.S.P. है M.S.P. में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट के लिए जो रेट तय करती है दैट इज एमएसपी कि गवर्नमेंट को वो फूड वो क्रॉप जो है अगर प्रोक्योर करनी है तो गवर्नमेंट किस रेट पे लेगी दैट इज एमएसपी ओके और अगर एफ की अगर हम बात करें तो ये होता है शुगर केन के लिए अनाउंस्ड अब शुगर केन एक ऐसा फार्म प्रोड्यूस है जिसमें शुगर कंटेंट होता है डेफिनेटली बट शुगर कंटेंट विद टाइम धीरे धीरे कम होता जाता है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक शुगर केन को रखे रखोगे तो क्या होगा उसका शुगर कंटेंट कम हो जाएगा तो अगर कोई इसको खरीदेगा कोई फायदेमंद नहीं है यानी बायर को भी फायदा नहीं होगा और जो फार्मर है उसको भी फायदा नहीं होगा अगर बहुत लंबे टाइम तक शुगर केन आपके पास पड़ा रहा तो वट यू नीड टू डू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हम एफ तय कर देते हैं लेकिन प्रोक्योर कौन करेगा क्या हम प्रोक्योर करेंगे गवर्नमेंट सेड नो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोक्योर द शुगर केन ऑन एफ आर पी वट वी आर गोइंग टू डू कि इस रेट पे अब प्रोक्योर कौन करेगा मिल ऑनर प्रोक्योर करेंगे ठीक है तो मिल ऑनर जो नियर बाई मिल हैं शुगर मिल्स हैं उन पे वो शुगर केन के ट्रक्स जाएंगे वहाँ पर आ, फार्मर जो है वो जो भी उनका एफ आर पी है उसको आ, लेंगे और अपने घर आएंगे नई जो क्रॉप उनको प्रोड्यूस करनी है उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे दैट इज एफ आर पी ओके तो एमएसपी में क्या होता है गवर्नमेंट ही अनाउंस करती है और गवर्नमेंट ही प्रोक्योर करती है ऑन दी अदर हैंड एफ में गवर्नमेंट अनाउंस करती है और प्रोक्योर कौन करता है मिल ओनर करते हैं बट आई एम नॉट सेइंग कि एमएसपी के अंडर जितनी भी फूड ग्रेन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करती है ऐसा नहीं है ऐसा हमें तेलंगाना के केस में भी देखने को मिला तेलंगाना इशू जो आया था इसमें होता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार बोल्ड राइस को लेकर के ये इशू था आई वॉन्ट यू टू लुक इन टू दिस इशू लास्ट ईयर का है आया ये मुद्दा और एमएसपी को लेकर के भी काफी सारे टॉपिक जो है वो रिसेंटली न्यूज में आते रहते हैं ठीक है जी तो आई होप आपको एफ आर पी और एमएसपी के बारे में फर्क पता चल गया होगा अब बात करते हैं थोड़ा सा देखते नोट्स में क्या दिया गया है जो शुगर केन प्राइस है इट इज गवर्न बाई द स्टेच्यूटरी प्रोविजन एम एस पी के लिए कोई स्टेचुटरी प्रोविजन नहीं है कहीं किसी एक्ट के अंदर का जिक्र नहीं होता लेकिन उसके तहत प्राइसिंग ऑफ शुगर केन को गवर्न किया जाता है ठीक है अब 2009-10 से पहले क्या होता था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस अनाउंस करती थी शुगर केन के लिए और जो प्रॉफिट था उसको फिफ्टी फिफ्टी बेसिस पे शेयर किया जाता था लेकिन 2009 के अंदर ये ऑर्डर को अमेंड किया गया और एस मिनिमम प्राइस को रिप्लेस किया गया विद फेयर एंड ऑफ शुगर केन तो मुद्दा ये आता है कि एफ और एमएसपी में फर्क क्या है एमएसपी वो प्राइस है वो रेट है जो कि गवर्नमेंट पे करती है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑन दी अदर हैंड एफ वो प्राइस है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है लेकिन

ऐसी हम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रखें या इतना एमएसपी हम रखें कि जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई हो सके ठीक है दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रखा जाता है इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तीन टाइप की कॉस्ट होती हैं गवर्नमेंट कौन सी कॉस्ट को ध्यान में रख करके एमएसपी डिसाइड करती है देन प्राइस ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में मार्केट में चल रहा है मान लीजिए टू थाउजेंड रुपीज पर क्विंटल और आप एमएसपी तय कर देते हो थाउजेंड रुपीज या फिर फाइव थाउजेंड रुपीज तो इससे क्या होगा एमएसपी वायेबल नहीं होगी इसलिए प्राइस ट्रेंड को भी ध्यान में रखा जाता है डोमेस्टिक मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी देन इंटरक्रॉप प्राइस वेराइटी को भी ध्यान में रखा जाता है Why? Because आपको इंश्योर करना होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो हो वो किन्हीं दो या दो एक या दो क्रॉप के प्रोड फेवर में ना हो मतलब ऐसा ना हो कि पेडी और व्हीट का ही प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है पल्सिस की और मिलेट्स की हमें कमी हो रही है इस चीज को भी हमें ध्यान रखना होता है देन टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर उसके साथ ही ये जो है ये इंपॉर्टेंट uh, चीज है कि जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका कम से कम फिफ्टी परसेंट एज मार्जिन दिया जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए हंड्रेड रुपीज है तो इसका फिफ्टी परसेंट और एड करके फिर एमएसपी तय की जाती है एंड देन लाइकली इम्प्लीकेशन ऑफ एमएसपी ऑन द कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट आप सिर्फ और सिर्फ फार्मर के पर्सपेक्टिव से सोच करके एमएसपी डिसाइड नहीं कर सकते आपने कंज्यूमर को भी ध्यान में रखना है ओके जी क्योंकि कंज्यूमर पे उस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए आपने टू थाउजेंड रुपीज डिसाइड तो कर दिया लेकिन क्या कंज्यूमर उसको खरीद पाएगा उस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम डिस्कस करते हैं तीन टाइप की कॉस्ट होती है इसको समझना इजी है थोड़ा सा देखिए एक फार्मर है सबसे पहले देखते हैं उसकी कॉस्ट क्या क्या है उसके कुछ ना कुछ उसको उसके पास लैंड एरिया होगा ठीक है उसके ऊपर कुछ लेबर लगे हुए होंगे हो सकता है वो खुद हो उसकी फैमिली मेंबर हो राइट तो लेबर के तौर तो पर उसकी फैमिली मेंबर भी हो सकता है और अब वो कुछ इनपुट ऐड करेगा इनपुट में क्या क्या चीजें आएंगी सीड्स आएंगे फर्टिलाइजर्स आएगा मतलब फर्टिलाइजर आएंगे इसके अलावा मान लीजिए इरिगेशन का है राइट और पावर का है और भी बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं ठीक तो अब अग, अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काउंट करनी हो तो आप क्या क्या चीजें काउंट करोगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनपुट देखते हो जो भी आपकी इनपुट कॉस्ट है सीड्स फर्टिलाइजर ये सारी चीजें पेस्टिसाइड्स भी इनके अंदर आ जाते हैं ठीक है ये तो होता है फर्स्ट जिसको हम कहते हैं ए टू ठीक है इसके अलावा जो फैमिली लेबर काम कर रही है मतलब अगर मान लीजिए एक फार्म के अंदर पांच लोग घर के ही हैं सारे बंदे लेकिन सारे के सारे काम लग रहे हैं तो क्या क्रॉप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उनकी मेहनत उनकी जो मजदूरी है वो काउंट नहीं होगी होनी चाहिए राइट तो हम इसको कहते हैं फैमिली लेबर ठीक है एफ एल इसको लिखा जाता है और तीसरा उसके पास खुद की जमीन है मान लीजिए अगर वो जमीन खुद की नहीं होती अगर उसने कोई और जमीन रेंट पे लेके और फिर काम स्टार्ट किया होता तो उसको कुछ ना कुछ रेंट पे करना पड़ता और रेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता अगर मान लीजिए वो लोन उठाता तो राइट तो ये जो रेंट और इंटरेस्ट है जो अभी उसको नहीं देना पड़ रहा सिंस जमीन उसकी है तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड की जानी चाहिए ठीक है दैट इज कॉल्ड सी टू अब ध्यान रखिए कि दिस इज ए टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूज करती है ए टू प्लस फैमिली लेबर को ओके सॉरी ए टू प्लस फैमिली लेबर को और जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ये वाला भी ऐड किया जाना चाहिए इसमें आ जाता है ए टू प्लस एफ एल प्लस ये जो तीसरा कोस्ट है ये भी इंक्लूड कर दिया जाता है ठीक है आई होप थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा आपको नहीं हुआ तो बता देना तो ए टू क्या होता है इसमें सारे इनपुट आ जाते हैं इनकर्ड बाय द फार्मर ऑन सीड्स फर्टिलाइजर लेबर पावर सप्लाई एंड वाटर ए टू प्लस एफ एल में क्या होता है जो फैमिली लेबर की इम्प्यूटेड वैल्यू है इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब कोई ऐसी कमोडिटी सॉरी uh, कोई ऐसी सर्विस जिसका जो प्राइस uh, uh, है उसका आप डिसाइड नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो अंदाजा लगाते हो उसको ही हम कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू तो गवर्नमेंट क्या है? करती है इसको कैलकुलेट इस करती है ए टू प्लस एफ एल को इस पे बेस्ड ही गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है ऑन दी अदर हैंड एक्सपर्ट C2 की डिमांड करते हैं जिसमें क्या जाता है कि ये वाले तो आएंगे ही आएंगे नो no डाउट इसमें साथ ही साथ वो लैंड रेंट और इंटरेस्ट आएगा जो चला गया बिकॉज आप उस जमीन के मालिक थे और आपके पास फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स थी ठीक है ये उस पर चलता है कि अगर ऐसा होता क्योंकि सबके पास तो खुद की जमीन भी नहीं है बहुत सारे ऐसे हैं जो या तो रेंट पे ले रहे हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे जमीन लेकर के खेती कर रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के खेती कर रहे हैं अब वो प्राइस कुछ ना कुछ तो जमीन पे भी पे कर रहे हैं राइट तो वो फिक्स्ड उस कैपिटल को ध्यान में रख कर के उस रेंट और इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर के जो प्राइस तय किया जाता है दैट इज सी टू एंड एक्सपर्ट्स आर डिमांडिंग दिस टू कैलकुलेट वाइल कैलकुलेट वाइल डिसाइडिंग द एम एस पी अब बात करते हैं कि एमएसपी को लेकर के नीति आयोग का क्या कहना है इससे पहले शांता कुमार कमेटी बैठाई गई थी और शांता कुमार कमेटी ने यह बताया था कि ओनली अबाउट सिक्स परसेंट ऑफ द फार्मर्स द बेनिफिट ऑफ एमएसपी डायरेक्टली अगर हम बात करें तो छह परसेंट ही ऐसे फार्मर्स हैं जिनको एमएसपी का फायदा मिल पाता है इसके बारे में नीति आयोग क्या कहता है? नीति आयोग कहता है कि एट्टी से भी ज्यादा फार्मर्स को एमएसपी की जानकारी है नो no डाउट लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी 67% परसेंट ऑफ द फार्मर सेल देयर क्रॉप्स थ्रो देयर ओन मींस अपने तरीके से मिडिल मैन को भी मिडिल से या किसी और तरीके से वो क्रॉप को सेल करते हैं इसके रीजंस क्या क्या हैं वो भी नीति आयोग ने बताया पहला तो ये कि कुछ स्टेट्स में एमएसपी को बहुत ही लेट पे किया जाता है फर्स्ट थिंग अब अगर कोई पर्सन है वो वीट लेकर के गया कि आप ये लीजिए प्रोक्योर कीजिए और मुझे एमएसपी वापस करिए अब उसको तीन महीने बाद वो पैसा मिल रहा है पेमेंट उसके वो मिल रही है और अब उसको आ, अगली जो साइकिल है राइट उसके लिए पैसा उसको इमीडिएटली चाहिए तो ये भी एक ये ऐसा फैक्टर है जो फार्मर को मजबूर करता है कि वो एमएसपी वाले रास्ते से ना जाकर के अपने तरीके से क्रॉप को सेल करें देन फील्ड और प्रोक्योरमेंट सेंटर में काफी लंबी डिस्टेंस होने की वजह से और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ना होने की वजह से भी कई बार नुकसान उनको झेलना पड़ता है देन एफसीआई कई स्टेट्स में सिर्फ राइस और व्हीट को ही प्रोक्योर करता है एंड लास्टली देर आर टू मच ऑफ पेपर वर्क तो ये कुछ रीजन है जो आप अपने आंसर में एड कर सकते हो अब बाइस मैंडेटेड एमएसपी क्रॉप है इसमें मैं आपको एक चीज बता दू चलिए पहले एम एस पी क्रॉप के बारे में डिस्कस करते हैं देन बात करते हैं उसके बारे में खरीफ क्रॉप है फोर्टीन क्रॉप रबी छः क्रॉप के लिए अनाउंस किया जाता है बाकी कमर्शियल क्रॉप दो के लिए अनाउंस किया जाता है खरीफ में पैडी ज्वार बाजरा मेज रागी अरहर मूंग अर, उड़द कॉटन ग्राउंडनट सनफ्लावर सोयाबीन नाइजर सीड्स रबी के अगर मैं बात करूँ तो वीट बार्ले ग्राम मसूर रेपसीडियम और सेफ्लावर के लिए ये अनाउंस किया जाता है अदर क्रॉप में कोपरा एंड जूट के लिए कोपरा कोकोनट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको निकाल देते हो अंदर जो इसका नट होता है कोकोनट का जो नट होता है बेसिकली उसको हम कोपरा बोलते हैं एंड जूड यू नो अब अगर आप लिस्ट देखते हो पूरी ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा करके आप एग्रीकल्चर वाली वेबसाइट पे जा करके चेक करते हो कि एमएसपी किन किन क्रॉप के लिए अनाउंस किया गया है तो जब आप काउंट करोगे आपको ट्वेंटी फोर मिलेंगी आपको एक जगह तोरिया भी लिखी हुई मिलेगी और एक जगह डी हस्क आ, हस्क कोकोनेट भी वहां पे लिखा हुआ मिलेगा तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली तोरिया और डी हस्क कोकोनेट के लिए एमएसपी डिसाइड नहीं किया जाता इनका एमएसपी जो है वो फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी ऑफ रेपसीड और कोपरा ठीक है इंडिपेंडेंटली इनका एमएसपी नहीं होता जो रेपसीड या मस्टर्ड का होगा और जो कोपरा का होगा उसके हिसाब से इनका एमएसपी तय किया जाता है ओके okay? इसीलिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि एमएसपी कितनी क्रॉप के लिए है 22 क्रॉप के लिए लेकिन कई ऐसे होते हैं जो जाकर के अगर खुद चेक करेंगे एंड देन फाइंड आउट कि काउंट करूं तो मैं मेरे को 24 मिल रही है तो रीजन यही है उसका ओके okay? अब 2018 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा और ये था एमएसपी स्कीम में जो गैप्स आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी ये तीन चीज के लिए थी तीन कॉमोडिटी के लिए थी पल्सिस के लिए ऑयल सीड्स के लिए और कोपरा के लिए ध्यान रखिएगा जो पल्सिस और कोपरा के लिए थी वो थी प्राइस सपोर्ट स्कीम इसमें क्या होता था जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है वो फिजिकली प्रोक्योर करती थी पल्सिस को और कोपरा को इसमें सेंट्रल एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव रोल होता था ठीक है तो नाफेड ठीक है नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे इतना ध्यान रखिएगा दैट इज प्राइस सपोर्ट सिस्टम तो ये सारी क्रॉप के लिए नहीं है ये पल्सेस के लिए है और कोपरा के लिए देन प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम ये लागू होता था ऑयल सीड के लिए कौन से ऑयल सीड के लिए जो एम के अंदर मैंशन uh, है जैसे ग्राउंड नट सनफ्लावर सोयाबीन नाइजो सीड्स ये वाले मस्टर्ड एंड सेफ्लावर इन सब के लिए ठीक है तो सी पेमेंट स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑयल सीड्स जो अनाउंसड एम एस पी है और जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस प्राइस डेफिशियंसी पेमेंट स्कीम के द्वारा कवर किया गया यहां पर क्या होता था कि जो फार्मर्स है वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं इन द नोटिफाइड मार्केट थ्रो ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हंड्रेड रुपीज या टू थाउजेंड रुपीज ऐसे फिक्स मिलेगा ऑक्शन कर सकते हैं और ऑक्शन के हिसाब से आपको वो पेमेंट मिलेगी एंड द थर्ड वन इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्कीम यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर स्टॉक जो रखते हैं ऐसे बंदे जो स्टॉक रखते हैं प्राइवेट सेक्टर के उनको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर ऐड किया गया ऑयल सीड के मामले में और ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर लागू की गई और जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाली स्कीम लागू की गई उन डिस्ट्रिक्ट में इन दोनों स्कीम को लागू नहीं किया गया इतना ध्यान रखिएगा ओके तो ये था प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा बट आपको इसके कंपोनेंट जो है वो पता होने चाहिए ठीक है जी तो काफी डिस्कस किया आज हमने एमएसपी के बारे में अगर फिर भी आपको लगता है कि एमएसपी को लेकर के कोई टॉपिक कोई आ, कोई भी डिस्कशन रह गया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इसके अलावा एग्रीकल्चर के अगर आप नोट्स परचेज करना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स दी गई हैं इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल के जो लेक्चर्स हैं उनको भी एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आप इन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ओके जी तो चलिए जल्द ही मिलते हैं टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच